हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड योर प्रिपरेशन इज आल्सो गोइंग वेल। आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आजकल हम देखने को मिल रहे हैं हमें, तो यानी कि जैसे कि लेखपाल एग्ज़ाम और उसके ऑब्जेक्शन से रिलेटेड। लेखपाल का री एग्ज़ाम UPPSC RO ARO कब आएगा, या फिर UPSSSC BDO 2018 का री एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो सारी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं आपको। आपको करना क्या है, वीडियो को देखना है एंड तक, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करने के बाद आप इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं UPSSSC लेखपाल से। जैसा कि सभी को पता है कि 31 जुलाई को इसका एग्ज़ाम हो चुका है और 7 अगस्त तक इसको जो आंसर की आई थी उसका ऑब्जेक्शन हमें देना था। तो सारा का सारा टाइम अब हमारा जो है एस्पिरेंट का ख़त्म हो चुका है। अब जो भी काम करना होगा वो करना होगा आयोग को, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस पे जो डाउट था सबने उसमें डाला है, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन में लगभग ऑब्जेक्शन डाले हैं मोस्टली लोगों ने। तो कुछ बीच में अब बाय भी आ रही थी कि 3 क्वेश्चन ही डिलीट होंगे और किसी का आंसर चेंज नहीं होगा, तो वो तरीके की सारी खबरें जो हैं वो झूठी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी आयोग की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दूसरा ये है कि जो री एग्ज़ाम को लेकर एक मुहिम चलाई जा रही है, ग्रुप बनाए जा रहे हैं अलग अलग, और बोला जा रहा है कि ट्विटर पर कैंपेन करना है या फिर हमको एक एडवोकेट हायर करना है, तो उसके लिए याची बनो और इस तरीके की बातें। तो ये सब फिजूल की बातें कोर्ट में, मतलब पहली बात तो हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है कि हम उसको प्रूफ कर सकें कि भाई नकल हुई है। दूसरा ये कि UPSSSC जो है वो किसी भी कीमत पर ये जो एग्ज़ाम है इसको री एग्ज़ाम नहीं कराएगी, ठीक है। और STF जो है वो अपना काम कर रही है, साथ ही जो इतना लंबा समय लिया है UPSSSC ने वो इसीलिए लिया है कि जो STF है वो अपना काम करती रहे। अगर वाकई में कोई धांधली हुई है उनको लगता है तो वो आयोग खुद ही वीडियो की तरह, वीडियो 2018 की तरह इसको भी री एग्ज़ाम करा देगी, कैंसिल कर देगी। बट अगर एस्पेरेंट सोच रहे हैं कि हम कोर्ट में केस करके कर दें तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड प्रूफ नहीं है किसी के पास भी, ठीक। और जो बात कह रहे हैं कि सामूहिक नकल की, तो भाई ये बात आपको तभी उठाना थी जब वो सामूहिक नकल हो रही थी क्लास के अंदर आपके सामने। आपको उस टाइम जो क्लास में कक्ष निरीक्षक था उसके सामने उसको बोलना था, अगर वो नहीं सुनना था तो आपको जो भी आयोग का वहाँ बंदा आता उसको बोलना था, लेकिन आपने उस समय नहीं बोला क्योंकि आपने शायद ना की हो, लेकिन फिर भी किसी ने सोचा हो कि मुझे भी मौका मिल जाएगा, एक दो क्वेश्चन मैं भी बराबर वाले से पूछ लूँगा। तो अब ये सब कहने का कोई फ़ायदा नहीं और ये कोई सॉलिड प्रूफ भी नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं UPPSC RO और ARO। तो इसकी जो वैकेंसी है अगस्त लास्ट या फिर अक्टूबर के पहले हफ्ते में उम्मीद की जा रही है कि इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और एग्ज़ाम जैसे कि आपको पता है दिसंबर मिड में इसका एग्ज़ाम होगा और मार्च अप्रैल में इसका मेंस हो जाता है। तो एक अच्छी वैकेंसी है, और इन सब री एग्ज़ाम इन सब बातों में टाइम वेस्ट ना करके अगर आप यहाँ पर तैयारी करें तो बेहतर है कि लेखपाल से पहले आपका ये सब प्रोसेस बाइंड अप हो जाएगा। जब तक लेखपाल का उसका रिजल्ट आएगा तब तक ये UPPSC RO ARO का बाइंड अप हो जाएगा, क्योंकि वो आयोग का काम एक नियमित टाइम पर होता रहता है, ठीक है। और अधीनस्थ चयन आयोग का कोई पता नहीं होता कि कब तक ये खींचे, ठीक। बाकी 2018 वीडियो जो है उसका री एग्ज़ाम हाईकोर्ट से तो मिल गया था कि री एग्ज़ाम होना है, आयोग जीत गया था उसमें, लेकिन अभी केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो कोई भी अभी ये नहीं बता सकता कि एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है। तो जहाँ जब सुप्रीम कोर्ट से वो केस डिसमिस होगा तब ही आयोग उसके बारे में कोई नोटिफिकेशन देगा कि वो एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। तो उसका बार बार ना पूछें, जब भी कोई अपडेट आएगी तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से आप बता दिया जाएगा। बाकी एक AGTA की वैकेंसी है, वो मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ के लास्ट में या फिर नेक्स्ट मंथ वो उसका नोटिफिकेशन आने की पूरी उम्मीद है कि वो आ जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।